हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए आरपीवीटी का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, आप सभी लोगों के सामने देखिए। ये 20 आंसर की है। पहला क्वेश्चन है, एक डी 4d इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी चारों क्वांटम संख्याओं के मान सही है। तो देखिए आपके पास चार क्वांटम संख्याओं के मान दे रखे हैं, इनमें से कौन सी चारों क्वांटम संख्याओं के मान राइट होंगे आपको वो बताने थे। तो देखिए इसका सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, -1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 त्रिज्या का सही क्रम बताइए। त्रिज्या का सही क्रम ये होगा, इसमें जिसकी नेगेटिव चार्ज इसमें सबसे ज़्यादा उसकी ही सबसे बड़ी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया है, वह यौगिक जो ओजोनी अपघटन पर सिर्फ एसीटेटएल्डिहाइड देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, टू ब्यूटीन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टू ब्यूटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेंजीन और एन प्रोपिल क्लोराइड की HCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः आपको प्राप्त होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी तीसरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह एल्किल हैलाइड जो SN2 अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक तीव्रता से मेथिल क्लोराइड होगा, जो कि सेकंड आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कौन फिनोल के साथ अभिक्रिया करके फिनोप्थिलीन देता है। तो यहाँ पर आपका फिनोल के साथ अभिक्रिया करके फिनोप्थिलीन देने वाला आपके साथ हो जाएगा यहाँ पर थेलिक एन हाइड्राइड और सांद्र H2SO4। क्या? थेलिक एन हाइड्राइड और सांद्र H2SO4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टोलन जो अभिकर्मक है वो केवल LDHD से अभिक्रिया करता है, कीटोन से नहीं। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, सबसे प्रबलता अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है CH3 समूह जुड़ने के साथ आपका अम्ल की प्रबलता कम होती जाती है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, HCWS सबसे प्रबलता अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर सबसे प्रबलतम एसिड हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन 54 आपके सामने निकल के आ रहा है, एथिलेमीन और क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपके साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनाइड हो जाएगा। कौन सा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा एथिलेमीन का। तो आपके पास बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत बता दूँ तो आप चिंता मत करना, मैं 5 मिनट के अंदर तुरंत इसके नीचे उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने जल्दीबाजी में गलत दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राइमन टीमन अभिक्रिया थी। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज के अब घटक कौन कौन से होते हैं। तो लैक्टोज से दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज ग्लूकोज का होता है, जबकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज से होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेरिलीन किसका बहुलक है। तो दोस्तों आपको पता है टेरिलीन इथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल का बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59, ये क्वेश्चन है, किस अणु की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो दोस्तों इसमें sp3d संकरण होना जरूरी है। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, तो ये आपका PCl5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक का बंध कोण सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके H2S का बंध कोण सबसे कम होगा। किसका बंध कोण सबसे कम होगा? H2S का बंध कोण सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, कौन सबसे अधिक सारीय है। तो दोस्तों आपको पता है S ब्लॉक में नीचे ऊपर से नीचे जाने पर सारकता बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि CSOH की सारकता सबसे ज़्यादा होगी, तो फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, वर्ग 15 के हाइड्राइडों का बंध कोण सबसे अधिक किसमें है। तो सबसे अधिक बंध कोण दोस्तों जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होगी उसका बंध कोण सबसे ज़्यादा होगा। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, NF3 का बंध कोण सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ग 13 के तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग 13 के तत्व है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण दोनों +1 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आयन रंगीन विलयन नहीं देता है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो रंगीन विलयन नहीं देगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैंडियम+3 जो रंगीन विलयन नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन अनुचुंबकीय है? तो दोस्तों जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेडियम प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर यह है एथिलीन डायमीन होता है। तो एथिलीन डायमीन दोस्तों आपको पता है दो NH2 समूह जुड़े होते हैं एथिलीन डायमीन में, तो एक अमीन पे लोन पेयर होता है इसलिए द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों अमीन पे लोन पेयर की वजह से द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर। इसके बाद कौन सा संकुल आयन अष्टफलकीय होगा? तो दोस्तों देखिए अष्टफलकीय, देखो बाकी के तीन तो इसमें आपके चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होंगे, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए है 68 क्वेश्चन है बॉयल के नियम के अनुसार। तो आपको पता है एक ट्रिक बताई थी मैंने, भगवान तेरी छोटी पत्नी गांव वाली, यानी भगवान तेरी यानी बॉयल लॉ में टी कांस्टेंट होता है और डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी समानुपाति 1/P। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 द्रव को गर्म करने पर उसकी संयांता बढ़ती है। संयांता क्या होती है? संयांता तो बढ़ती ही है, लिक्विड को गर्म करने पर संयांता बढ़ती नहीं है, सॉरी घटती है। कौन सा कथन फ्रेंकल दोष के लिए सही है? तो फ्रेंकल दोष के लिए सबसे सही कथन यह है कि लगभग समान आकार के धनायन व ऋणायन वाले आयनिक ठोसों में फ्रेंकल दोष मिलता है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे हाइड्रोजन की अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उत्पाद अभिक्रिया अग्र दिशा में स्थापित हो जाती है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लुईस अम्ल, तो लुईस अम्ल का थर्ड आंसर हो जाएगा AlCl3 का लुईस अम्ल की तरह बिहेव यहाँ पर करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है 73 क्वेश्चन है आपका। देखिए 73 है, किस सल्फाइड के लिए जल में विलयता अधिकतम होगी? तो जिसकी सोल्युबिलिटी एस का मान सबसे ज़्यादा होगा यानी नेगेटिव मान सबसे कम होगा उसी की विलयता सबसे ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11×10^-20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया होती है जब जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तब अभिक्रिया स्वतः होती है, तो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। दोस्तों शायद मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, दोस्तों इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच बराबर जीरो ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है CaCl2 और AlCl3 के जलीय विलयन के क्वथनांक अगर क्रमशः T1 तथा T2 हो, तो यहाँ पर देखिए आपके उस पर ये इसका फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, T2 ज़्यादा होगा T1 से। ठीक है दोस्तों, अगर किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1.2×10^-4 mol/L inverse अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो देखिए आपको यहाँ पर जो इसका मात्रक है उससे पता लग रहा है, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यहाँ पर अगला है, किसी अभिक्रिया की कोटि कहाँ से ज्ञात की जा सकती है? तो किसी अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, प्रायोगिक मान ही होता है कोटि। तो उसके बाद 78 क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए हार्डी सुलझे के नियम के अनुसार धनावेश सोल के स्कंदन के लिए सबसे प्रभावशाली विद्युत अपघट्य है, तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा Na3PO4। क्या आंसर हो जाएगा? Na3PO4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा, देखिए Zn+2 वाले का उल्टा हो जाएगा, तो 0.34+0.76 हो जाएगा और इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर मैं जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत बता देता हूं, थोड़ी देर में ही लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस किस का मैंने गलत बता दिया है। वैसे आप चिंता ना कीजिए, एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसका मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो आपको पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी होता है, यानी स्थिति और संवेग का मान एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्यतम विन्यास विद्युत ध्वनि होगा, यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा होगा? तो यहाँ पर डी आंसर NS1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे कम स्थाई है? तो दोस्तों सबसे कम स्थाई आपका कार्बोकेटाइन होगा मेथिल कार्बोकेटाइन, यानी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों इसमें पेन के आंसर कुछ अलग लगे हुए हैं, वो मैंने नहीं लगाए हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वही आपको याद रखने हैं। उसके बाद एल्किल हैलाइड अभिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, इसलिए सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, सल्फर की H2O3-2 में ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि सल्फर की यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी, तो पहला आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर निकल के आ रहा है, H2O एक द्रव है तथा H2S एक गैस है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जिसके कारण यह द्रव अवस्था में चला जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है, उपसंयोजक बंध किसमें पाया जाता है? आपको पता है PCl5 में भी नहीं होता, SF4 में भी नहीं होता, CCl3 में भी नहीं होता, इसलिए डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, O3 ओजोन में बंद होता है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज इस पर कुछ ना कुछ अलग होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, वहाँ बॉन्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके निर्जलीकरण अभिक्रिया सबसे जल्दी देगा? तो दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री जो एल्कोहल होगी वो सबसे ज़्यादा जल्दी देगी, तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4N πe इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक यौगिकों के लिए होता है, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 90वां क्वेश्चन, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसमें CH4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथेन गैस। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बायोलॉजी और फिजिक्स की भी आंसर की जल्दी लेके आ रहा हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।